एडीपी होता है, उसका जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, उसमें दो टाइप्स के हमने, जनरल एडीपी कंट्रोल और स्पेसिफिक एप्लीकेशन कंट्रोल। इससे आगे अपन देखते हैं जो एडीपी सिस्टम है उसके क्या क्या टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ एडीपी सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग के सिस्टम जो है उसके क्या क्या टाइप्स हैं। तो इसमें जो पहला आता है वो है बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। इसमें जो ट्रांजेक्शन हैं वो एक्यूमुलेट और जो प्रोसेस्ड होगी वो ग्रुप्स में होगी। इसका मतलब एक बैच बनाया जाएगा, कितने भी ट्रांजेक्शन का मान लीजिए आप 100, 200, 500, एक स्पेसिफिक बैच होगा, लिमिटेड बैच होगा, उसी में जो भी ट्रांजेक्शन होंगे वो आएंगे, एक्यूमुलेटर जो प्रोसेस होंगे वो ग्रुप में होंगे। इसमें जो फाइलिंग की जाती है वो दो टाइप्स की फाइल्स में करी जाती है, एक तो मास्टर फाइल में और दूसरी बैच फाइल में। इसमें जो इशू है, जो दिक्कत है वो ये है कि जो इसमें अपडेटिंग होती है वो फास्ट नहीं होती जितनी रियल टाइम सिस्टम में होती है, क्योंकि इसमें जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होते हैं वो बैचेस में होते हैं और प्रोसेस भी बैचेस में होते हैं। तो ऐसा जब 100 ट्रांजेक्शन या 500 ट्रांजेक्शन का बैच कंप्लीट होगा उसके बाद वो चीज रिकॉर्ड होगी और उसके बाद वो अपडेट होगी। इसलिए इसका जो ड्रॉबैक है सिस्टम का, बैच प्रोसेसिंग सिस्टम का, वो यही है कि जो क्विकली अपडेशन होता है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है, और उसी वजह से ये एक तरह से थोड़ा सा आउटडेटेड सिस्टम हो गया है। इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि इसको यूज करना सिंपल है, और जो कॉस्ट इफेक्टिव बेनिफिट है वो इसमें ठीक रहता है। इसमें बहुत ज्यादा कॉस्टली ये सिस्टम यूज करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं होता, तो ये वही सुटेबल होगा अपने लिए जिन ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांजेक्शन लिमिटेड हो, उनका जो बिजनेस का नेचर है या जो उनका एक्सटेंट है वो लिमिटेड हो, और जो रिसोर्सेज है अगर लिमिटेड है तो लिमिटेड इन द सेंस कि वो बहुत ज्यादा किसी डेवलपमेंट सिस्टम के लिए या ईडीपी के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर सकते, या फिर जहां पर ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होके सिंपल है वहां पर अपन बैच प्रोसेसिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। जो दूसरा सिस्टम है वो है ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम। इसमें जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो एंटर्ड और प्रोसेस उसी टाइम कर लिए जाते हैं जिस टाइम वो ट्रांजेक्शन अकर होते हैं। इसका मतलब है बैच प्रोसेसिंग के जैसे इसमें बैच बनाने की जरूरत नहीं होती, अगर कोई सिंगल ट्रांजेक्शन है वो भी जब अकर हुआ उसी टाइम पे वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड और प्रोसेस हो जाएगा। इसमें जो अपडेशन का प्रोसेस है डेटाबेस का वो कंटिन्यूसली है। इसका मतलब ये कि जो बैच प्रोसेस में ड्रॉबैक था कि एक साथ जब कंप्लीट बैच या लॉट फॉर्म होगा उसके बाद अपडेट होगा, वो चीज रियल टाइम प्रोसेसिंग में नहीं है। ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम में यही है कि जो ट्रांजेक्शन अगर सिंगल ट्रांजेक्शन भी अगर हुआ है तो वो साथ के साथ अपडेट होता रहेगा। इसका जो ड्रॉबैक आता है निकल के वो यही सामने आता है कि ये बैच प्रोसेसिंग सिस्टम से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि इसमें जो अपडेशन है वो बहुत फास्ट होता है, उसमें जो ट्रांजेक्शन जैसे अगर होगा उसी के साथ साथ अपडेट हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिस्टम माना जाता है। इस सिस्टम में ऑडिट ट्रेल अपने को अवेलेबल नहीं होती जो बैच प्रोसेसिंग में अपन ले पाते हैं बेनिफिट। उससे यह होता है कि अपन कोई ट्रांजेक्शन का एंड रिजल्ट या स्टार्टिंग रिजल्ट को कोरिलेट करके नहीं देख सकते। इसके जो बेनिफिट है वो यही है कि जो अपडेशन होता है इसमें डेटाबेस का वो बहुत फास्ट होता है, उसके लिए अपने को ये वेट नहीं करना पड़ता कि एक साथ इतना लोड होगा या इतना बैच होगा ट्रांजेक्शन का कंप्लीट, उसी के बाद अपडेशन करा जाएगा। इसमें तो रियल टाइम प्रोसेसिंग में ये काम चलता है, अगर एक ट्रांजेक्शन भी कोई अकर हुआ तो उसका जो अपडेशन है वो साथ साथ हो जाएगा। इसके जो एग्जांपल्स अपन देखे हुए हैं एयरलाइन रिजर्वेशन और एटीएम पे जो ट्रांजेक्शन अपन करते हैं वो दोनों चीजें होती है रियल टाइम ऑनलाइन रियल टाइम प्रोसेसिंग सिस्टम पे। इसका मतलब ये होता है कि जैसे ही अपने कोई
एयरलाइन रिजर्व करी या उसको कोई सीट रिजर्व करी, उसका ट्रांजेक्शन उसी टाइम कंप्लीट हो जाता है और वो अपने को डिटेल मिल जाती है। ऐसे ही होता है अपने साथ एटीएम में, जिस टाइम पे अपने कोई भी ट्रांजेक्शन एक करा एटीएम से, उसका जो प्रोसेसिंग है वो ऑनलाइन उसी समय अपडेट हो जाता है, वो बैच प्रोसेसिंग में नहीं चलता। इससे आगे आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।